हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर आकाश शर्मा, वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स के जो आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको, जैसे कि पेज नंबर 1.11, ये देख पा रहे हैं 1.11 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था और देन यहाँ तक हमारा PDF मैंने आपको सेंड कर दिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 1.12 से। सो पेज नंबर 1.12 पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको टेलीविजन की डायग्राम दिए हुए हैं, यानी एक से बढ़कर एक हमको लिखना है। एक से बढ़कर एक का मतलब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है वन मोर देन वन इक्वल टू। वन मोर देन वन मतलब कि एक से बड़ा कितना होता है, दो, यानी कि एक में एक और ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, दो। ये तो हमको फिल करके दिया हुआ है। सेकेंड में आप देखेंगे वन में से दिया हुआ है वन मोर देन वन मोर देन टू इक्वल। तो आप देखेंगे टू से वन ज्यादा, टू में वन और ऐड कर देंगे या टू से वन एक और ज्यादा लेंगे तो कितना होगा, टू के बाद क्या होता है थ्री, यहाँ पे आएगा थ्री। ऐसे ही यहाँ पे वन मोर देन थ्री, तो थ्री से एक और बड़ा क्या होता है, थ्री के बाद एक और क्या आएगा फोर, ठीक है। तो वन मोर देन थ्री इक्वल फोर, ऐसे ही इसको हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। पेज नंबर 1.13 आप देखेंगे, आप कहेंगे सर 1.12 पे तो और भी बहुत सारे हैं, तो ये आप सभी को कंप्लीट करना है क्योंकि मैंने समझा दिया है तो आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको कंप्लीट करना नहीं आता है कि कैसे करना है या अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसके लिए मैं आपको हेल्प के लिए आपको PDF सेंड करूंगा, तो उस PDF में से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 1.13 को देखते हैं, तो 1.13 में आप क्या देखेंगे, पेज नंबर 1.13 पे यहाँ पे ऐसी टू लाइंस बनी हुई है, ठीक है। उन लाइंस में बॉल्स बनी है और नीचे उनके बॉक्स हैं, तो हमको बॉल्स को काउंट करना है और बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं, फर्स्ट बॉक्स में कितनी बॉल्स है, वन टू, कितनी बॉक्स है टू, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे टू लिखेंगे, ठीक है। अब इस वाले बॉक्स में देखेंगे, इस वाले यहाँ पे एक भी लाइन नहीं है, एक भी लाइन नहीं है, यानी कि इसको मिलेगा जीरो, इसके पास में कोई भी बॉल नहीं है ना, इसलिए इसको क्या मिलेगा जीरो। समझ में आया, चलिए इसका एक और देख लेते हैं फिर आप चलिए समझ में आया। इसके बगल वाले बॉक्स में आप देखेंगे वन टू थ्री फोर, ठीक है, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फोर लाइन बनी हुई है, वन टू थ्री, बॉल्स को काउंट करना है लाइन, ठीक है, वन टू थ्री फोर, कितनी बॉल्स हैं यहाँ पे, फोर बॉल्स हैं। और सेकंड वाले में तो एक भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जीरो, जिसको एक भी कुछ नहीं मिलता उसको जीरो मिलता है ना। ऐसे ही इन सारी ये जो सारे सारे दिख रहे हैं इनको ऐसे ही कंप्लीट करना है, इसको भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो PDF आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे पेज नंबर 1.14, तो यहाँ पे आपको एप्पल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे नंबर नेम और नंबर्स आने चाहिए, आप लोगों ने UKG में नंबर नेम पढ़े थे ना, ONE TWO TH RE3, वो नंबर नेम यहाँ पे आपके काम आने वाले हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़े थे UKG में, अब उनको ध्यान देना है क्योंकि अब उन्होंने पहले नहीं पढ़े तो अब तो आ जाना चाहिए ना। चलिए कैसे आएंगे, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हमको दिया है 1 10 + 1 1 = 11, ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है 1 10 + 2 1, तो यहाँ पे बॉक्स में दिया भी हुआ है 12। अब यहाँ पे एक और बॉक्स किया है उसमें हमको 12 लिखना है, 1 2 12, ओके। चलिए नेक्स्ट दिया है 1 10 + 3 1 1 10 + 3 1, यहाँ पे ये बॉक्स खाली है और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 13, तो 13 की स्पेलिंग हमको लिखनी है, क्या होती है THIRTEEN, ठीक है। तो ऐसे ही इसको कंप्लीट करना है, ऐसे ही इसमें नीचे तक दिए हुए हैं, किसी किसी बॉक्स में स्पेलिंग लिखना है तो किसी किसी बॉक्स में नंबर लिखना है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पेज नंबर 1515, तो
इसको आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें भी हमको ऐसे ही या तो नंबर लिखना है या फिर स्पेलिंग लिखना है। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में ये सारे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा और आगे की वीडियोस में हम चैप्टर के नेक्स्ट वीडियोस को देखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम एंड स्टे सेफ।